फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकओवर वीडियो। इस वीडियो में आपको मेकओवर वीडियो देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने हॉल किया था, मीशो हॉल, जो कि आप लोगों को वो आइटम इतना ज़्यादा पसंद आया था, भर भर के आपने कॉमेंट किया, प्यार दिया, आपने कहा था कि मेकओवर वीडियो लेकर के आऊँ। तो आज इस वीडियो में आप मेकओवर देखने को मिलेगा। जो भी होम डेकोर के आइटम है, 30 प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में मेकओवर में यूज़ किया हुआ है, 30 आइटम यूज़ किया हुआ है। आप देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगता है। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा, फैमिली फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे कोई वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुँच जाएगा, वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हाँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और कंटेंट डालती रहती हूँ। ये मेकओवर कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसी एरिया में मैं मेकओवर करने वाली हूँ और मेरा जो थीम है ब्लू कलर का थीम होने वाला है। तो ये वहाँ पे कर्टन लगाऊंगी, इस वॉल को डेकोर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं तीन तरह के कर्टन लगाने वाली हूँ, एक प्लेन में, एक नेट में और एक प्रिंटेड में, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मुझे मिला था, मैंने मीशो से परचेस किया हुआ था। तो ये है ऑफ वाइट कलर का, जिसे मैं कॉर्नर में कर्टन लगाने वाली हूँ। और देन फिर मैं नेट का लगाऊंगी, फिर प्रिंटेड वाले जो बहुत ही अच्छे मुझे लगे हैं वो कर्टन लगाने वाली हूँ। आपके पास वाइट कलर का, ऐसे ऑफ वाइट कलर का कर्टन होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे अलग अलग आप कर सकते हो। प्लेन ऑफ वाइट भी रख सकते हो और अपने घर को रंगीन बना सकते हो, जो कि अलग अलग तरीके से आप सजा सकते हो और कलरफुल ऐड कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर मैंने ये वाले कर्टन जो है, ये शायद अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन जैसे स्टॉक में आएंगे आप देखते रहना और इसे परचेस कर सकते हो, कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इतना प्रीमियम लुक लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे परचेस कर लिया, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। फिर मैंने यहाँ पे नेट के कर्टन डाला हुआ है, और ये नेट के कर्टन शायद सेट ऑफ टू में मिल जाएंगे, 200 समथिंग या फिर 250 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कर्टन लगा लिया है। अब बारी आती है हमारे वॉल के। तो ये देखो, मैंने ये बॉल प्लेट लिया है और मैंने मंत्रा से लिया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। और ये सेट ऑफ 5 में मिलेंगे, बहुत क्यूट लग रहे थे, मेरे थीम के साथ मैच कर रहे थे। इसमें बर्ड बने हुए हैं, फ्लावर बने हुए हैं, इसे पीछे हैंग करने को मिले हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया। और ये सेट ऑफ 2 में मैंने बास्केट लिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया है। और ये वाले प्लांटर है जो कि रियल प्लांट लगते, जबकि ये आर्टिफिशियल प्लांट है, मैंने यहाँ पे लगा लिया। फिर मैंने ये ब्लू कलर का जो हैंगिंग वाले फ्लावर रहते हैं ना, इसे मैंने यहाँ पे वो जो लैंप लगाती हूँ उस जगह को हटा करके यहाँ पे मैंने इस तरीके का ये जो थोड़ा सा बैंड कर दिया है, और यहाँ हैंग कर दूँगी। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, ये वॉल मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करना, और कहाँ पे आपको कमी लग रहा है, कहाँ पे और कुछ ऐड करना था वो मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने इस तरीके का सिंपल वॉल रखा हुआ है। अब बारी आ जाती है जहाँ पे मैंने कर्टन लगाया है, वहाँ पे कॉर्नर में ये रैक रख देती हूँ वुडन में, क्योंकि आप ये वाले जो रैक है ना लैंप वाले, ये आप 1000 रुपीज़ का भी मिल जाता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अलग अलग प्राइस में बहुत सारे आपको मीशो में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं कम से कम वाले जो अच्छे रिव्यू वाले मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैं अब ले करके आ रही हूँ 3 सीटर वाला सोफ़ा, जिसे यहाँ पर सोफ़ा थ्रो लगाऊंगी, कुशन कवर लगाऊंगी। और जो ये सोफ़ा थ्रो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये फेस्टिवल के लिए बेस्ट है। ये मतलब कलरफुल है, बहुत अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मुझे ये मिले हुए हैं। ये सोफ़ा थ्रो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब आज तक मैंने जितने भी सोफ़ा थ्रो परचेज़ किया है ना, सबसे अच्छे बेस्ट मुझे ये लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी स्टॉक में भी है, अगर आप लोग सोच रहे हो परचेज करने का तो इसे ले सकते हो। पूरे कलरफुल, अभी होली भी आ रहे हैं ना, तो पूरे कलरफुल इस तरीके का आप लगा सकते हो, फिर कुशन कवर कुछ भी कलर में कलरफुल वाले आप लगा सकते हो। प्लेन रहेंगे और कुशन कवर कलरफुल रहेंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के ऐसे वाले कुशन कवर लिए जो 3 अलग कलर में मिलेंगे, मतलब ब्लू कलर में और 2 वाइट कलर में, बीच बीच में ऐसे ब्लू मिलेंगे। जबकि ये मुझे 178 या फिर 180 रुपीज़ का मिला था। ये भी बहुत अच्छे हैं, सिल्क मटेरियल है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो चलो इसे कुशन लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 कुशन लगा लिया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों का डिमांड था कि मैं मेकओवर करके लाऊं, इसी जो भी मैंने प्रोडक्ट दिखाया था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने यहाँ पर मेकओवर कर लिया है। और इस तरीके से ब्लू का थीम ही ज़्यादा ऐड किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और ये मुझे ये वाले एरिया भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर
किस तरीके से रैक रख दिया है वुडन में, और कुछ कुछ आइटम है जो ब्लू थीम में था उसे ब्लू और वाइट ग्रीन कलर का ही मैंने ज़्यादातर रखा है, मतलब ब्लू वाइट ही रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं प्लांटर लगा ले रही हूँ, ब्लू कलर का इससे फ्लावर है और ग्रीन कलर का लीव कुछ ऐड कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेकओवर दिया है, सिंपल मेकओवर है, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो उस तरीके का मेकओवर। आजकल मैं बहुत ज़्यादा मेकओवर वीडियो नहीं ले करके आ पा रही हूँ, तो तबीयत भी ख़राब थी, बट अब ठीक हो गई हूँ। आप लोग क्या मेकओवर देखना है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखो पूरे कलरफुल वाले मैंने यहाँ पे ये कारपेट लिया है, आप लोगों का डिमांड ही था कि मैं कारपेट ले करके आऊँ, और भी ले करके आऊँगी। तो इस तरीके कलरफुल वाले मैंने ऐड किया है। मेरे पास छोटे कुछ स्टूल टेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे छोटे स्टूल रख दी हूँ, और इसे क्या बोलते हैं, इसे यहाँ पे मैं लगा दी हूँ, ऑनलाइन ही खरीदी थी। और यहाँ पे कुछ कैंडल लाइट ऐसे रख दी हूँ, और साइड में प्लांटर रखी हूँ जो कि मैंने इंस्टाग्राम से लिया हुआ था, और इसमें प्लांट लगा दी हूँ। और इस तरीके से कुछ मैंने डेकोर किया हुआ है जो कि सिंपल और श्योर लग रहे थे मुझे। आपको कैसा लग रहा है आप तो कॉमेंट करके ही बताओगे ना। तो यहाँ पर मैंने अपने तरीके से डेकोर करने की कोशिश की हूँ, आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आप पूरा फुल वीडियो देखो, वॉच करो, आपको कैसा लगता है। अगर इस तरीके का अगर आप डेकोर करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर क्लिक करके ज़रूर भेजना, जिससे मुझे पता चलता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप सेम ऐसे ही डेकोर करते हो। तो कुछ अलग डेकोर चाहते हो तो कॉमेंट करो, मैं कोशिश करूँगी और जल्द से जल्द उसे आप लोग का शेयर करूँगी। पूरा फुल वीडियो देखो, वॉच करो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा मेकओवर वीडियो जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था आइटम, उसे डेकोर कर लिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कोई वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा, वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। सबका लिंक एंड कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना ये मेकओवर कैसा लगा है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूं नेक्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।